बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में अगर आप हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने डॉक्टर्स का और पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन करना है। अब देखिए मेरे पास एक शॉर्ट टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ पेशेंट्स के नेम है जो कि हमारे पास विजिट कर रहे हैं और कौन से डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं उनकी डिटेल्स और उनका अमाउंट वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो एक डिटेल बनानी है जिसमें आप अपने डॉक्टर्स की जो है वो डिटेल्स लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो सेल्स को मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं डॉक्टर डिटेल्स। तो यहाँ पर हमने जो है वो डॉक्टर डिटेल्स की एक हेडिंग बना दी है और इसको यहाँ पर आपने बोल्ड कर देना है और जिस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए आप अपने हिसाब से जो है फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आपके डॉक्टर्स के नेम होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर टाइप कर दिया कि डॉक्टर इरफान और इसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पर डॉक्टर आयशा और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डॉक्टर फहद और इसके बाद आपके पास आ जाएगा डॉक्टर आलम। अब ये आपके पास डॉक्टर्स हैं, इनके डॉक्टर्स के आपने यहाँ पर नेम बना लिए हैं तो यहाँ पर आप जो है वो इनको हाईलाइट कर सकते हैं बॉर्डर के साथ। अब आपको यहाँ पर आपके डॉक्टर की जो फीस है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है। मान लीजिए कि आपके पास डॉक्टर इरफान है, इनकी जो है 2500 है, डॉक्टर आयशा इनकी है 2800, डॉक्टर फहद इनकी हम लिख देंगे यहाँ पर 2000 और डॉक्टर आलम इनकी हम यहाँ पर लिख देंगे 2600। तो डिफरेंट यहाँ पर जो है वो डॉक्टर की जो है वो फीस हो सकती है। अब हमें यहाँ पर डॉक्टर्स की जो है वो एंट्री करनी है कि जब आप पेशेंट्स के यहाँ पर नेम लिखेंगे उनका जेंडर लिखेंगे और किस डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट कर रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्टर का नेम लिखना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है और आपको डाटा में जाकर जो है यहाँ से डाटा वैलिडेशन को यूज़ करना है और यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे आपने क्लिक करना है और जितने भी आपके पास डॉक्टर्स की डिटेल्स उनके नेम होंगे वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर दे रहे हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर लिस्ट बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो है वो फिलहाल एक बार जो है वो इस तरीके से मैनुअली एंट्री कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी एंट्री करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ जो है वो इस तरीके से कर लेता हूँ। तो जैसे जो एक्चुअल डेट होगी आपके पास एक्चुअल डॉक्टर का डाटा होगा आपको उसी हिसाब से जो है यहाँ पर डॉक्टर्स को ऐड करना है। अब अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करनी है अभी हम आगे देखेंगे कि अमाउंट निकालने के लिए आपको करना क्या है। अब इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले कि आपके पास डॉक्टर्स की डिटेल्स, चले हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो है वो डॉक्टर्स कौन से डॉक्टर पे विजिट हो रहा है उसकी अमाउंट कैसे आ रही है। तो इसका अलग से आपको चार्ट बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ये वाला सेल, अगर ये सेल आपका बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, अगर यहाँ पर आपके पास टाइप हो डॉक्टर इरफान और कोटेशंस क्लोज कॉमा तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो डॉक्टर इरफान है इनकी जो फीस है वो कितनी आ रही है यहाँ पर 2500। तो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं 2500। उसके बाद कॉमा, इफ का फॉर्मूला दोबारा राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो है वो दोबारा से इस सेल को सेलेक्ट करना है और बराबर करना है कि अगर आपके पास यहाँ पर डॉक्टर आयशा का नेम लिखा हुआ हो कोटेशन क्लोज कॉमा तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो डॉक्टर आयशा की जो फीस है यहाँ पर आप बता रही है 2800, तो आपने यहाँ पर 2800 टाइप करना है। कॉमा लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला। अब आपने दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करना है, अगर ये सेल बराबर होता है डॉक्टर फहद के, वो तो फॉर्मूला ऊपर आ गया इसलिए आपको हाइड नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अगर डॉक्टर फहद का नेम लिखा हुआ हो तो आपके पास, अच्छा डॉक्टर फहद का नेम यहाँ पर हमने कोटेशंस में लिखना, याद रखिएगा टेक्स्ट है आपके पास तो टेक्स्ट आपको जो है कोटेशंस में ही लिखना है कोटेशन, और इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। तो डॉक्टर फहद की जो फीस है वो यहाँ आपके पास 2000 है कॉमा। लास्ट वन हम यहाँ पर एक और कंडीशन बनाएंगे, इफ अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है किसी के, तो अब यहाँ पर जो हमने डॉक्टर का नाम लिखा था डॉक्टर आलम कोटेशन क्लोज कॉमा और डॉक्टर आलम की जो फीस है वो 2600 है और आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है। अब जितने ब्रैकेट्स आपके ओपन थे उतने ही ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप एंटर करें, जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर इरफान लिखा हुआ है तो डॉक्टर इरफान की फीस आ रही है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर डॉक्टर आयशा कंसिडर करते हैं तो देखिए डॉक्टर आयशा की फीस कितनी है 2800। तो इसी तरह जो डॉक्टर्स का नेम लिखेंगे उसी के डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको अमाउंट निकाल के दिखाएगा। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दें, जैसे ही आप ड्रैग कर देंगे तो हर डॉक्टर की जो फीस होगी वो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और निकालेंगे कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ पर पेमेंट कितनी आ रही है, कि कौन से डॉक्टर ने कितनी पेमेंट कर ली है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं साइड में यहाँ पर बनाकर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आपको इनकी क्वांटिटीज़ अगर आपको डॉक्टर्स की निकालनी तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और काउंट इफ, पहले तो आप देख लेंगे कितने कितनी जो है इनकी कंसल्टेशन हुई डॉक्टर्स की, तो उसके लिए आप यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर नेम वाले कॉलम को पूरा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और याद रखें इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। F4 से आप लॉक करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में आपसे पूछ रहा है तो क्राइटेरिया के अंदर आपको यहाँ पर डॉक्टर इरफान ये जो ऊपर लिखा हुआ आपने ये सेल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो देखिए डॉक्टर इरफान की जो आज की टोटल कंसल्टेशन है वो कितनी है, 4 है। तो इसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो देखिए डॉक्टर आयशा की 3 कंसल्टेशन है, डॉक्टर फहद की 5 हैं और डॉक्टर आलम की 3 कंसल्टेशन हैं। अब इनका अमाउंट कितना बनता है कि एक डॉक्टर की फीस 2500 है, 4 कंसल्टेशन हैं तो उसकी अमाउंट कितनी बन गई है। अभी तो शॉर्ट डेटा तो ये तो इजीली हो जाएगा, जब डेटा आपके पास ज़्यादा होगा, कंसल्टेशन आपकी 20, 25, 50 या 100 कंसल्टेशन हो रही हैं तो उसमें फिर आपको सबसे ज़्यादा ये हेल्प करेगा जो कि हम इसमें फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करें, इस एरिया को भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। और अब देखें यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और सम इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। रेंज आपसे पूछेगा तो रेंज में सबसे पहले आप अपने डॉक्टर वाले नेम का पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा। क्राइटेरिया आपसे पूछेगा तो क्राइटेरिया के अंदर आपने अपने डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, सम रेंज सम करना है, तो सम आपके पास ये जो अमाउंट वाला कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको भी आपने F4 से लॉक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ चुकी है कि डॉक्टर इरफान की जो कंसल्टेशन फीस 2500 है, 4 कंसल्टेशन देखी है तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 10,000 आ गया। अब इसी फॉर्मूले को जब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको हर डॉक्टर की डिटेल आपके सेकंड टेबल के अंदर आ जाएगी। ये कंप्लीट डॉक्टर इरफान की डिटेल्स हैं, डॉक्टर आयशा की डिटेल, डॉक्टर फहद और डॉक्टर आलम, जितने डॉक्टर्स होंगे और जितना आपको पेशेंट का रिकॉर्ड एक्सटेंड करना है वो आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी आपको इस चीज ऐड करनी वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद जो आपको एंड डे ऑफ क्लोजिंग करनी है तो उसकी भी आपको यहाँ पर जो है वो डिटेल बना सकते हैं। तो क्लोजिंग डिटेल्स आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर क्लोजिंग डिटेल्स की एक हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पर जो है इसको भी हम इस तरीके सेलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट करना चाहें हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर दें। अब नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हुई है वो तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर से मालूम हो सकता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो एंट्रीज कर लें, जैसे आपके पास टोटल एंट्री कितनी है, 15 आपके पास जो है वो एंट्री हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके पास टोटल, अच्छा यहाँ पर एक कॉलम हम ऐड कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ इस तरीके से एक रॉ जो हमें ऐड करनी होगी तो यहाँ लिख लूँगा 15 और ऊपर हम बना देंगे हेडिंग। अब हेडिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर ऐड करना है टोटल अपॉइंटमेंट। अब मैंने इसी शॉर्ट फॉर्म लिख दी यहाँ पर अपॉइंटमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख दी है अपॉइंटमेंट की। अब कितने आपके पास नंबर ऑफ मेल आपके पास यानी कि पेशेंट आ रहा है तो उसकी डिटेल्स, और नंबर ऑफ फीमेल्स आपके पास कितने आए हैं उनकी डिटेल्स, और टोटल आपके पास फीस कितनी बन रही है तो या टोटल अमाउंट के लिए तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, काउंट इफ का जो है वो फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है, और यहाँ पर आपने जो है वो जेंडर वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इसको आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा लगा देंगे और आपने जो है वो क्राइटेरिया में ये जो ऊपर मेल लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए 10 आपके पास जो है वो कौन से पेशेंट है, मेल, 10 आपके पास मेल पेशेंट जो है वो आपके हॉस्पिटल में विजिट किए हैं। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ आप यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो देखें 5 फीमेल्स हैं जो कि आपके डॉक्टर क्लिनिक पे या आपके हॉस्पिटल में विजिट किए हैं। टोटल फीस देखनी है आपको तो आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये पूरा अमाउंट वाला कॉलम जो है वो आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये आपके पास टोटल एंड ऑफ द डे का जो पूरा आपको सबमिशन करना होता है वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी एंट्री करते जाएं, डेटा एंट्री, और उसके बाद आपके डॉक्टर की डिटेल्स कि किस डॉक्टर्स की कंसल्टेशन कितनी है, कितने पेशेंट्स चेक किए हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास कितने टोटल मेल पेशेंट आए, कितने फीमेल पेशेंट आए। तो इस तरीके से पूरा एक आप जो है वो इजीली डेटा एंट्री वर्क या अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।